सब्सक्राइब करें फ्यूचर टेक्नोलॉजी को और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि आप जान सकें लेटेस्ट टेक न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को आज वेलकम करता हूँ अपनी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारा एक सिस्टम है जो कि घर में पड़ा हुआ है, उसमें हम कुछ वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे घर में आपको पता ही रूटीन में बच्चे चला रहे होते हैं, हमको बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे या किसी और साइट पे। तो मैं आप लोगों को एक सिंपल तरीका बताऊँगा जिससे आप लोग वेबसाइट को ब्लॉक कर देंगे, जिससे बच्चे को लगेगा कि ये वेबसाइट हमारे सिस्टम पर चल ही नहीं रही। तो उसके लिए सिंपल आप लोगों ने एक काम करना है, ये आप लोगों के सामने विंडो 8.1 की एक मशीन खुली हुई है, इसमें आप लोगों ने जाना है स्टार्ट में और इसमें सर्च करना है नोटपैड। नोटपैड में जाएंगे, सिंपल कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करूँगा, विंडो के अंदर से ही मैं आप लोगों को ब्लॉक करना बताऊँगा भी कैसे हम वेबसाइट को ब्लॉक करते हैं। ये नोटपैड की फ़ाइल है, नोटपैड की फ़ाइल को खोलना है आपने ऐसे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग वैसे खो लेते हैं, आप ये याद रखना है कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है इसको। ये आपसे ओके का पूछेगा, यस करें। अब इसमें से आप लोगों ने जो फ़ाइल खोलनी है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा कौन सी फ़ाइल है जिसमें हम लोग चेंजिंग करेंगे तो हमारी वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगी। न्यू फाइल में जाएँ, ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने जाना है दिस पीसी सी ड्राइव में, जिस ड्राइव में आपकी विंडो है, विंडो के फोल्डर में। विंडो के फोल्डर में आप लोग देखेंगे सिस्टम 32 बिट का एक, ये देखें सिस्टम 32 का एक फोल्डर है, इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ हम लोग जाएंगे ड्राइवर के फोल्डर में, ये देखें ड्राइवर्स, ये ड्राइवर्स का फोल्डर जो है इसको ओपन करेंगे। इसके बाद ETC का फोल्डर ओपन करेंगे, यहाँ हम लोग ये देखें हम इसको कर लेंगे ऑल फाइल, तो हमारे पास काफ़ी सारी फाइलें आ जाएंगी। इसमें से हम लोगों ने सिर्फ होस्टेस वाली जो फाइल है उसको लेना है। होस्टेस वाली फ़ाइल को हम लोग ओपन करेंगे, ओपन करके आप लोग देखें ये हमारे पास ओपन होगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें से जो जितनी भी ज़्यादातर चीज़ें हैं वो सारी हैश के साथ हैं। हैश का मतलब हमारा ये होता है भी वो चीज़ सिस्टम रीड ही नहीं करता, लेकिन हमने सिस्टम को रीड करवानी है तो हम क्या करेंगे, हैश के हैश नहीं लिखेंगे अपनी कमांड के लिए। ये देखें ये हमारे पास एक चल रहा है, इसमें IP है 127001 लोकल होस्ट इसी मशीन के लिए ये चल रहा है। हम इसको ऐसे कॉपी कर लेंगे, नीचे फुल नीचे वाली लाइन पे हम लोग इसको पेस्ट करेंगे। ये देखें ये पेस्ट हो गया। अब मैं आप लोगों को चला के दिखाता हूँ, हमारे पास फेसबुक चल रही है, ये देखें। अब मैंने अपना ब्राउज़र खोला, इस पर फेसबुक रन के लिए, ये देखें ये फेसबुक चल रही है। इसमें से हमने सिर्फ जो DNS नेम है ना वो कॉपी करना है, www.facebook.com, इतना जो नाम है वही हम कॉपी करेंगे। उसके बाद इस ब्राउज़र को कर देंगे बंद और ये लोकल होस्ट जो लिखा हुआ है इसको हम करेंगे डिलीट और इसकी जगह हम लोग लिख देंगे www.facebook.com और इसको कर देंगे हम सेव, ये फ़ाइल सेव होगी। और ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है भी जो फ़ाइल हमारी जो है उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ही खोलना है, फिर वो चेंजिंग करने देगा, वैसे वो चेंजिंग नहीं करने देगा। ये देखें ये हमारी फ़ाइल सेव होगी। अब फिर से हम लोग ब्राउज़र अपना खोल लेते हैं, ब्राउज़र में हम लोग फेसबुक खोलते हैं, ये देखें ये हमारी फेसबुक बंद होगी, अब ये वर्किंग है। ऐसे ही हमने कुछ और साइट्स जो होंगी उनको ब्लॉक करना होगा, तो हम लोग ऐसे ही नोटपैड की फ़ाइल खोलेंगे, नोटपैड इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है, इसको यस करेंगे और इसमें से फ़ाइल को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए हम लोग दिस PC में जाएंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव के बाद विंडोज़ के फोल्डर्स में सिस्टम 32 में ड्राइवर्स का फोल्डर ये आ गया, और इस ETC में हम लोग खोलेंगे होस्टेस वाली फ़ाइल, होस्टेस ये देखें ये आ गया। अब हम लोग इसको ऐसे ही कॉपी करेंगे और इसके नीचे एक लाइन और, यहाँ हम लोग दिख लेंगे YouTube.com और भी कोई भी साइट्स हैं जो हम चाहते हैं भी वो बंद हो जाए उनको हम ऐसे ब्लॉक कर लेंगे। तो ये एक सिंपल सा तरीका मैंने आप लोगों को बताया, इससे एक मदद से आप लोग अपने घर में बच्चों के लिए जो सिस्टम रखा हुआ है उस पर आप वेबसाइट जो है उनको ब्लॉक कर सकते हैं।
ताकि बच्चे एक्सेस ना कर सकें या किसी भी और जो घर वाले यूज़ करते हैं उनको आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट आप लोग हमारा साथ दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें।